जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बात कर रहे हैं मासिक राशिफल 2023 मार्च महीने की, और जिस राशि की बात कर रहे हैं वो राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जितने जातक हैं उनका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, या कहें मासिक राशिफल जो मकर राशि का है वो कैसा रहने वाला है। बात करूंगा किन चीजों का ध्यान इस महीने में आपको रखना चाहिए, और बात करूंगा क्या आपको लाभ देते हुए दिख रहा है। वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। बात कर रहे थे मासिक राशिफल 2023 मार्च महीने, और राशि है मकर। मकर राशि का आधिपत्य शनिदेव को दिया गया है, तो आप समझ लीजिए 13 तारीख के बाद आपके जीवन में उन्नति होती हुई दिख रही है। यानी कि आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको लाभ किस किस चीज में मिलने वाला है, कि आपको इस महीने में उन्नति 13 तारीख के बाद यानी 13 मार्च 2023 के बाद उन्नति होती हुई दिखेगी, क्योंकि शनिदेव उदय होंगे, और जब कुंभ राशि में उदय होंगे वो 13 मार्च को, तो आपको भी लाभ देते हुए वो दिखेंगे। दूसरा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लाभ की बात कर रहे हैं तो आपको व्यापार में भी लाभ होगा, आपको नौकरी में भी लाभ होगा, या आपने कहीं निवेश किया हुआ है वहां भी लाभ होते हुए दिखेंगे। बहुत समय से चीजें रुकी हुई थी, तो अब ये चीजें सब चलती हुई आपको दिखने लगेंगी। दाम्पत्य जीवन, पर्सनल लाइफ और आप परिवार की दृष्टि से बात करेंगे तो ये महीना बहुत सुखद रहने वाला है, और आपके घर में कोई भी पारिवारिक माहौल ऐसा बनने वाला है जिसमें आपके बहुत दिनों से ना मिले हुए लोग आपसे मिलने वाले हैं। आप कह सकते हैं ये कोई आपके घर में ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, या आप त्योहार है इस महीने में उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि बहुत पुराने लोगों से जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मार्च का महीना उन लोगों से मुलाकात कराने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये माह, लाभ देने वाला है। यदि आपका कोई परिणाम आने वाला है तो लाभकारी रहेगा, या आप कोई परीक्षा देते हैं तो आने वाले समय में वो परीक्षा परिणाम अच्छा आने वाला है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने में आपको कोई भी उधार नहीं लेना चाहिए, और दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि धन का निवेश आपको व्यापार में नहीं करना चाहिए। यानी कि जो व्यापार आप कर रहे हैं सेम वैसा ही व्यापार चलाएं, कोई नया निवेश ना करें अपने व्यापार में, कोई नई फ्रेंचाइजी या नया कोई काम स्टार्ट ना करें अपने व्यापार में, जो पहले से चल रहा है उसी को चलने दें। ऐसा ही मेरा नौकरी वाले लोगों को सजेशन होगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको मार्च के महीने में कोई भी स्विच ओवर नहीं लेना चाहिए। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, स्विच ओवर जो भी मिले वो बात करेंगे अगले महीने में कि तब आपको लेना चाहिए, मार्च के महीने में खासतौर पर आपको नहीं लेना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके माता पिता यदि आपके साथ रहते हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप उनकी सेवा इस महीने में करते हैं तो आप समझ लीजिए आने वाले समय में ये आपको बहुत लाभकारी होते हुए दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं यदि किसी का कोई विवाह नहीं हुआ है, या विवाह में अड़चन आ रही थी, मकर राशि के जातक थे, वो मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके विवाह से संबंधित चीजें भी अब आने वाले समय में चलती हुई और बनती हुई दिखने लगेंगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। राधे राधे।